पिछले हफ्ते हिंडरबर्ग नाम की रिसर्च कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कि बहुत बड़े और भारी आरोप लगाए गए इंडिया के सबसे अमीर आदमी यानी कि मिस्टर गौतम अडानी पर। नतीजा ये हुआ कि इस रिपोर्ट के आने के सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर $65 बिलियन का नुकसान हुआ अडानी कंपनीज को। जाहिर सी बात है, आप जानना चाहेंगे आखिर क्या है इस रिपोर्ट के अंदर। लेकिन इससे भी मज़े की बात ये है दोस्तों कि हिंडरबर्ग को इतना भरोसा है अपने इस रिपोर्ट पर, इन्होंने खुले आम चैलेंज किया है अडानी कंपनीज की लीगल टीम को। अडानी ग्रुप कंपनीज आर कंटिन्यूइंग टू फेस बैकलैश आफ्टर रिपोर्ट फ्रॉम हिंडनबर्ग रिसर्च। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया। ए मेजर शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च, हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास। अब अडानी को तो आप सब कोई जानते ही होंगे एटलीस्ट इंडिया में, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी को आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस कंपनी की स्थापना करी गई थी साल 2017 में नेथन नेट एंडरसन नाम के एक आदमी के द्वारा। हिंडनबर्ग कंपनी का काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना और ऐसे कंपनियों को एक्सपोज करना जिन्होंने फ्रॉड किया हो या मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जैसी काम करती हो। अब आइए इस रिपोर्ट को थोड़ा गहराई से देखते हैं। 106 पेज की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का टाइटल है अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। मतलब इनकी राय में कॉर्पोरेट इतिहास का यहाँ पर सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का कहना है कि इन्होंने 2 साल से भी ज़्यादा लगाए हैं इस रिपोर्ट को बनाने में। इन्होंने अडानी ग्रुप से बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन, ऑफशोर सेल्स कंपनी बनाई जाना। उनका कहना है कि अडानी कंपनीज के बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जो कि अडानी ग्रुप्स के अलग अलग कंपनीज के डायरेक्टर हैं, उन्होंने विदेशों में बहुत सारे सेल कंपनी यानी कि वैसी कंपनी जिसका कोई नामो निशान नहीं है, वो सिर्फ कागजों पे है, उनको चला के फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने अपने रिपोर्ट में, आप जाके देख सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये कहते हैं अगर गौतम अडानी गलत नहीं है तो वे उनके 88 सवालों का जवाब दे सकते हैं। अब देखते हैं अडानी ग्रुप्स ने इनके रिस्पांस में क्या कहा है। पहला रिस्पांस 27 जनवरी को आता है जिसका टाइटल था मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलर, जिसमें कहा गया ये कंपनी अडानी ग्रुप पे बहुत गलत एलिगेशन लगा रही है, हमारे सारे काम लीगल होते हैं और सारी कंपनियों को ग्रीन चिट मिली हुई है हमारी सरकार के द्वारा। फिर उससे 2 दिन पहले यानी 25 जनवरी को अडानी ग्रुप के CFO ने एक बयान दिया जिसमें कहा गया कि ये शॉर्ट सेलर कंपनी का मकसद अडानी ग्रुप की रेपुटेशन को खराब करना है। The timing of the report's publication clearly betrays a brazen, malafide intention to undermine Adani Group's reputation with the principal objective of damaging the upcoming follow-on public offering from Adani Enterprise. अब बात करते हैं आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी को इतना कॉन्फिडेंस कैसे है। तो उनकी हिस्ट्री को देखते हैं, उन्होंने पिछले 5 साल में 16 कंपनी को टारगेट किया है जिसमें से उनका सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा है, इसलिए इस कंपनी को अपने इस रिपोर्ट पे बहुत भरोसा है। चलिए अब जानते हैं इससे किसका ज्यादा नुकसान होगा। अगर ये एलिगेशन जो अडानी ग्रुप पे लगाए गए हैं वो सही हुए तो हिंडनबर्ग कंपनी को बहुत फायदा होगा, और अगर गलत हुए तो अडानी को फायदा होगा क्योंकि इससे अडानी को वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी भी मिलेगी। अब जानते हैं हिंडनबर्ग को इस काम से क्या फायदा होता है। ये जो कंपनी है इनका मेन काम है शॉर्ट सेलिंग करना, जिसका मतलब है ये वहाँ पैसा लगाती हैं जहाँ कंपनी का स्टॉक गिरता है। सीधे शब्दों में कहे तो ये कंपनी की वैल्यूएशन गिराना चाहती है और वहाँ पे इनको बहुत ही फायदा होता है। कई लोगों का कहना ये भी है कि अडानी का नुकसान इंडिया के GDP पे बहुत भारी पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। अडानी कंपनी से इंडिया को GDP में हेल्प तो मिलती है, पर इतना भी नहीं कि हमारी GDP गिरने लगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी, कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।